Everyone, today in class 4 English, we are going to study Unit 1, Section B. The name of the chapter is Rahul's Decision. Rahul was among the last to leave the hostel. Rahul wo aakhri student tha jo hostel chhod raha tha. The board examination was over. Board ke exams khatam ho gaye the. He was deep in thought as he boarded the train. Aur jaise hi usne वो ट्रेन पर सवार हुआ वो उसके दिमाग में बहुत गहराई में सोच चल रही थी. ही हैड टेकन अ डिसीज़न बट ही न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर अप्रूव इट. उसने एक डिसीज़न लिया था लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उस डिसीज़न के लिए नहीं मानेंगे. ही वॉक्ड होम फ्रॉम द स्टेशन. दिस गेव हिम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. वो स्टेशन से घर तक पैदल गया जो उसे खुद को तैयार करने के लिए समय भी दे रहा था. His home was a farm some 6 kilometers out of the town. उसका घर एक खेत में था जो कि शहर से 6 किलोमीटर दूर था. It was 5 in the evening when a tired and dusting Rahul finally pushed open the door of courtyard. लगभग 5 बजे का समय था जब एक थका हुआ और धूल मिट्टी में भरा हुआ मटमैला राहुल अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसने अपने घर के दरवाजे को खोला. कोर्टयार्ड यानी वरांडा. हिज मदर स्टूड विद हर बैक टू द डोर. उसकी माँ खड़ी हुई जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी. बिजी मिक्सिंग द इवनिंग फीड फॉर द काउ. जो गायों के लिए शाम का चारा मिलाने में बिजी थी. शी नेवर टर्न्ड अराउंड टिल राहुल वॉज राइट बिहाइंड हर. वो बिल्कुल तब तक नहीं मुड़ी जब तक राहुल बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा नहीं हो गया. And then in a minute her eyes filled with tears of gladness. और जैसे ही उन्होंने राहुल को देखा उनकी आँखें आंसुओं से भर गई, खुशी के आंसुओं से भर गई.